19 अप्रैल को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन कोतवा विधानसभा में हुआ। पहुंचते ही शिवराज सिंह चौहान ने जनता को दिल से धन्यवाद किया। शिवराज ने कहा, मैं जनता की सेवा हमेशा करता रहूंगा। मैं चाहता तो किसी भी लोकसभा सीट से टिकट लेकर जीत हासिल कर दिल्ली के बंगले में आराम करते रहता और मजे से रहता। राहुल गांधी जो मोदी जी को चोर कहते हैं और राहुल गांधी के मंत्री के करीबियों को यहाँ ही करोड़ों का धन छापे में मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ ही कर्ज माफी का झूठा आश्वासन दिया है, जो अभी तक किसानों का कर्ज माफी नहीं हुआ है। मैं चाहता तो खरीद फरोख्त करके विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना सकता था, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कांग्रेस की सरकार कर सकती है। फिर से मोदी सरकार आएगी और हम सब जनता खुशियों से रहेंगे। मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। शिवराज ने हिमाद्री सिंह जी के लिए वोट डालने की अपील की।